नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल चैनल पर न्यूज़ पॉलिटिक्स एंड टेक। मेरा नाम है अंशर। आज मैं अपनी इस नई टेक की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ टाटा टियागो के बारे में। सो गाइस, टाटा टियागो के बारे में आज हम करेंगे एक छोटा सा ओवरव्यू, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके सबसे टॉप वेरियंट के बारे में, जो है रेवोट्रॉन XZA। गाइस, ये एक पेट्रोल वेरियंट है। तो अब हम शुरू करते सबसे पहले इसके इंजन और ट्रांसमिशन से। तो इसका इंजन टाइप जो है वो रेवोट्रॉन MPF5 विद मल्टी ड्राइव इंजन है। इसमें आपको सिलेंडर मिलते हैं 4 और इसका कॉन्फ़िगरेशन है DOHC सिस्टम। डिस्प्लेसमेंट सीसी इस गाड़ी में आपको मिलता है 1200 का और यहाँ पे माइलेज आपको मिलता है 24 किलोमीटर पर लीटर का। ड्राइवर ट्रेनिंग इसमें आपको मिलता है फ्रंट व्हील ड्राइव और स्पोर्ट बोर्ड जैसे भी कुछ फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। फ्यूल सिस्टम जो है वो इसमें मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है और इसमें फ्यूल टाइप जो है वो पेट्रोल है। मैक्स टॉर्क की बात करें तो यहाँ पे आपको मैक्स टॉर्क मिलता है इस गाड़ी में 114 न्यूटन मीटर का और मैक्स पावर मिलता है 84 BHP का। नंबर ऑफ गियर्स इस गाड़ी में 5 है और ट्रांसमिशन टाइप इसका ऑटोमेटिक है। ब्रेक्स एंड स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट ब्रेक टाइप जो है वो डिस्क मिलता है और रियर ब्रेक टाइप मिलता है ड्रम। मिनिमम टर्निंग रेडियस जो है वो इस कार का 4.9 मीटर है और स्टीयरिंग टाइप इस गाड़ी का है पावर असिस्टेड यानी कि इलेक्ट्रिक। व्हील्स एंड टायर्स की बात करें तो इसके व्हील जो है वो एलॉय व्हील्स है क्योंकि ये टॉप मॉडल है और स्पेयर व्हील जो है वो स्टील का है। वेट और कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको इस गाड़ी का कर्व वेट मिलता है 1012 kgs और इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 170 mm। कैपेसिटी में बात करें तो यहाँ पे आपको सीटिंग कैपेसिटी 5 पर्सन की मिलती है और नंबर ऑफ सीटिंग रोल्स आपको मिलती है 2। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस आपको 242 लीटर्स मिलती है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 35 लीटर्स। सेफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एयरबैग्स मिलते हैं 2 यानी कि ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए और साथ ही साथ आपको मिलता है सीट बेल्ट वार्निंग। ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन में आपको ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है और EBD यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिलता है। लॉक्स एंड सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ये सब टाइप के कुछ फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं। साथ साथ इसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग मिलती है जो कि सिर्फ रिमोट से ऑपरेट होती है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करें तो यहाँ पे आपको AC जो है वो मैनुअल टाइप मिलता है और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट पावर आउटलेट जो है वो एक मिलते हैं फ्रंट रो में और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट जो है वो ड्राइवर्स के लिए यहाँ पे सिर्फ टिल्ट दिया गया है। पार्किंग सेंसर इसमें रियर के लिए दिए गए हैं और यहाँ पे साथ ही साथ आपको वैनिटी मिरर जो है सन वाइजर्स पे वो सिर्फ को ड्राइवर्स के लिए दिया गया है। फर्दर मोर अगर हम बात करें कि इसमें सीट्स एंड अपोजिटी में क्या है तो यहाँ पे आपको सीट का जो मटेरियल लिया गया है उस पे वो फैब्रिक लिया गया है और यहाँ पे ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट जो है वो मैनुअल विद हाइट एडजस्टमेंट होता है। फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट जो है वो सिर्फ मैनुअली होता है और रियर पैसेंजर सीट टाइप जो है वो सिर्फ बेंच है। इंटीरियर इसमें ड्यूअल टोन मिलता है और यहाँ पे आपको हेडरेस्ट जो है वो सिर्फ फ्रंट के लिए मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो है वो एनालॉग मिलता है और ट्रिप मीटर मिलता है इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विद 2 ट्रिप्स मीटर। एवरेज फ्यूल कंजप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल कंजप्शन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, लो फ्यूल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस और गियर इंडिकेटर जैसे फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं। इसमें टैकोमीटर जो है वो एनालॉग दिया गया है और यहाँ पे आपको शिफ्ट इंडिकेटर जो है वो डायनामिक मिलता है। क्लॉक इसमें आपको डिजिटल मिलती है और यहाँ पे आपको टच स्क्रीन जो है वो बड़ी ही नॉर्मल सी मिलती है पर इसमें आपको GPS नेविगेशन जैसे कुछ फीचर्स नहीं मिलते। यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम जो है वो इंटीग्रेटेड इंडैश म्यूजिक सिस्टम मिलता है जिसका हेड यूनिट साइज होता है 2D। स्पीकर्स इस गाड़ी में आपको 6 से ज्यादा मिलते हैं और USB जैसे आप USB पोर्ट रहते हैं, इसमें ऑक्स के पोर्ट रहते हैं, आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें कि आप फोन एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। इसमें आपको MP3 प्लेबैक और FM/AM रेडियो मिलता है और iPod कंपैटिबिलिटी मिलती है और साथ ही साथ आपको इसमें आपको मिल जाते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। सो अगर हम बात करें कि यहाँ पे टाटा आपको कितने साल की वारंटी देती है तो आपको टाटा देती है 2 साल की वारंटी और किलोमीटर्स में देती है 75,000 किलोमीटर्स। कलर जो है वो इसमें आपको मिलते हैं ब्लू, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, सिल्वर और व्हाइट। मेरा सजेशन है कि इसमें अगर आप रेड कलर लें तो ये काफी बढ़िया लगता है। सो अगर हम बात करें अब इसके प्राइसेस के बारे में तो प्राइसेस के बारे में यहाँ पे एक काफी लंबी रेंज आ जाती है जो कि स्टार्ट होती है 3.74 लाख से लेके 6.69 लाख तक। अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपको पेट्रोल में मैनुअल वेरिएंट में जाना है यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन चूज करना है तो फिर यहाँ पे आपकी रेंज शुरू होती है 3.74 लाख से लेके 5.81 लाख तक। पर अगर हम पेट्रोल में ही ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं जो कि होते हैं 5.59 लाख के और एक 6.23 लाख का। सो डीजल वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे डीजल में आपको कोई भी ऑटोमेटिक वेरिएंट नहीं मिलता पर यहाँ पे आपको मैनुअल में नंबर ऑफ वेरिएंट्स मिलते हैं जो कि शुरू होते हैं 4.61 लाख से लेके 6.69 लाख तक। तो गाइस, अगर आप टाटा टियागो के ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो आपको एक बार रेनॉल्ट क्विड की तरफ भी जाना चाहिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो गाइस। स्टे ट्यून्ड फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो।